हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल्स मैथ्स। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन एंड इसी का चैन रूल डिफरेंशिएशन बोलते हैं दोस्तों। चैन रूल डिफरेंशिएशन, जिसका फंक्शन ऑफ फंक्शन का मीनिंग अगर हिंदी देखना चाहें दोस्तों तो फलन का फलन होता है दोस्तों, और इसका मीनिंग देखना चाहे यहाँ पर ऑफ होगा दोस्तों, ठीक है। चैन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन होगा दोस्तों, जिसका हिंदी होता है अवकलन का श्रृंखला नियम, ठीक है दोस्तों। तो आइए समझते हैं दोस्तों फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो समझने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, सपोज जैसे बोल रहे हैं ना दोस्तों कि फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो हमने मान लिया दोस्तों कि एफ कोई फंक्शन है दोस्तों, किसका है, यू का, ठीक है दोस्तों। और यू कोई फंक्शन है दोस्तों, किसका है दोस्तों, भी का, ठीक है दोस्तों। और भी कोई भी फंक्शन है दोस्तों जो एक्स का काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों, एक्स का काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये तीन फंक्शन हो गए दोस्तों, ठीक है। जब इसको हम एक ठामा लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, वो देखिएगा, एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ U of V of X, ठीक है दोस्तों। इस एक के अंदर एक फंक्शन है दोस्तों, F है U का फंक्शन, U है दोस्तों V का फंक्शन, V है X का फंक्शन, मतलब एक के अंदर एक तीन फंक्शन है दोस्तों, ठीक है। जब इसका डिफ्रेंशिएशन हमको करना है दोस्तों, किस कंडीशन में दोस्तों, फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी कि कहने का मतलब चैन रूल, इसमें अप्लाई करना है हमको दोस्तों डिफ्रेंशिएशन। तो आप यहाँ पे वेरी वेरी ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। इसको जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोस्तों, हम लिख देते यहाँ पे कि डिफरेंटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम किस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं दोस्तों, एक्स का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब इसका हम डिफिनिशिएशन करेंगे, यानी कि डी एफ बटा डी एक्स इज इक्वल टू, इस पूरे वाले को एक बार हम बड़े ब्रैकेट में रख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, यू ऑफ भी ऑफ एक्स, एक दो तीन, इस ब्रैकेट को जितने में बंद है दोस्तों, इसके लिए काम कर रहा है, ये इसके लिए काम कर रहा है, और ये पूरे वाले के लिए काम कर रहा है, इसके लिए तीन ब्रैकेट से यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। और बटा में हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं दोस्तों, एक्स का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो हमको एक्स जब तकला टर्म नहीं आ जाए दोस्तों, तब तक आपको इसमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो चलिए इसका क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी देखे थे दोस्तों, देखिएगा दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से। तो हमने डिफ्रेंशिएशन किया दोस्तों, डी एफ बट्टा किसके रिस्पेक्ट में, डी यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है दोस्तों, इनटू डी यू बट्टा डी वी के रिस्पेक्ट में किया दोस्तों, ठीक है, और डी वी बट्टा डी एक्स के रिस्पेक्ट में किया दोस्तों, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में किया दोस्तों। तो वी के साथ एक्स है दोस्तों, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग किए हैं, ठीक है दोस्तों, एक्स के रिस्पेक्ट में है, इसी के अकॉर्डिंग एक्स के रिस्पेक्ट में हम भी किए हैं दोस्तों, ठीक है। इस एक्स का नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे भी होगा एक्स का, ये भी है जो लास्ट में है दोस्तों, एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो इसी के लिए हमको एक्स के रिस्पेक्ट में करना हुआ दोस्तों। ये बेसिक आपको प्रॉपर्टीज है दोस्तों, ये बेसिक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, चैन रूल दोस्तों, ठीक है। इसी में हमको चैन रूल अप्लाई करना होता है दोस्तों, पहले एफ का फंक्शन डिफ्रेंशिएशन किया यू के साथ, फिर यू के डिफ्रेंशिएशन किया भी के साथ, और फिर भी के डिफ्रेंशिएशन किया एक्स के साथ, हमने यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि डिफरेंटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में किया है दोस्तों, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ किया, ठीक है दोस्तों। जब तक आपको करना होगा दोस्तों, जब तक आपको जिस चीज़ का पता नहीं रहे कि किस चीज़ का हमको डिफ्रेंशिएशन करना, उस टर्म तक आपको करना होगा दोस्तों। तो हमको यहाँ पे करना पड़ गया किस चीज़ का दोस्तों, एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर यही की जगह ठीठा का रहता दोस्तों तो हम ठीठा के रिस्पेक्ट में करते। जैसे एग्जांपल से हम समझाएंगे दोस्तों, जैसे देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए वाई कोई फंक्शन है, लॉग ऑफ साइन एक्स है दोस्तों, साइन है, और साइन के ब्रैकेट में दोस्तों टेन एक्स,
देखिएगा दोस्तों, एक लॉग फंक्शन हुआ दोस्तों, एक साइन फंक्शन हुआ दोस्तों, एक टेल फंक्शन हुआ दोस्तों, एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन है दोस्तों। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है दोस्तों, चैन रूल हमको अप्लाई करके करना है दोस्तों। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोस्तों, तो कैसे हमको करना है, इस टर्म को भी लिखेंगे दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंटिंग, डिफरेंटिंग को शॉर्ट में हम लिखते हैं डी आई डबल एफ दोस्तों, डिफरेंटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स मेरा है दोस्तों, तो इसलिए हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं दोस्तों। अगर थीटा रहता तो थीटा के रिस्पेक्ट में करते रहते। इस प्रॉपर्टीज के हम आधार पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक बार पूरे को हम ब्रैकेट में रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग साइन ऑफ टेन एक्स। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो एक एक के बाद एक हुआ, हमको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है दोस्तों। तो इसका बेसिकली अब जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोस्तों, तो अलग अलग करेंगे किसके, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान से, फिर लॉग साइन ऑफ टेन एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मेरा हो गया दोस्तों। इसको करना है किसके रिस्पेक्ट में दोस्तों, इस वाले टर्म को रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डी साइन ऑफ टेन एक्स। ठीक है दोस्तों, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, डी साइन ऑफ टेन एक्स बट्टा, फिर एक टेन बचेगा दोस्तों, तो इसके रिस्पेक्ट में भी हमको करना है। तो टेन एक्स इन टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन एक्स बट्टा डी एक्स आ गया ना दोस्तों। जब तक आपको तोड़ना होगा दोस्तों, कि जब तक आपको एक्स का आपको डिफ्रेंशिएशन, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं दोस्तों, उसका आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं डिफ्रेंशिएशन दोस्तों। तो देखिए लॉग का क्या क्या चीज़ है दोस्तों, इतना फंक्शन है, तो आपको लॉग का फार्मूला पता होगा दोस्तों, कि लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दोस्तों। लॉग का डिफ्रेंशिएशन होता है वन बटा एक्स। तो जब इस टर्म को हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वन बाई किया दोस्तों साइन ऑफ ब्रैकेट में क्या है दोस्तों, टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनटू अब साइन का डिफ्रेंशिएशन हमको आपको बताए थे दोस्तों, यह हमारे पिछले वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों, उसमें हम फार्मूले का आपको पूरा चीज़ बताए हैं दोस्तों। तो साइन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस, ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट में इसको क्या था दोस्तों, टेन एक्स इंटू, और टेन का भी डिफिनेशिएशन आपको पता होगा दोस्तों क्या है, सेक स्क्वायर एक्स होता है दोस्तों। ये आपको आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। इसी तरीका से हम लोग को चैन रूल अप्लाई करके करना रहता है दोस्तों, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं चैन रूल डिफिनेशिएशन दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जैसे एक एग्जांपल और देना चाहेंगे दोस्तों, जैसे वाई बराबर मान लिया जाए कि अंडर रूट कोई फंक्शन है साइन एक्स है, ठीक है दोस्तों। तो रूट का हम लोग को डिफिनिशिएशन पता था दोस्तों, कि वन बाई टू रूट एक्स होता, पर यहाँ एक्स ना होके क्या है दोस्तों, साइन एक्स। तो पहले एक बार रूट के डिफिनिशिएशन करेंगे और फिर उसके अंदर वाले को रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका जब सिंपली आंसर निकालेंगे, डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर इसका डिफिनिशिएशन करना चाहेंगे दोस्तों, तो डी अंडर रूट साइन एक्स बट्टा, और इसके अंदर वाले को रिस्पेक्ट में होता है दोस्तों, तो साइन एक्स, और साइन एक्स से फिर यहाँ हमको डिफिनिशिएशन करना है दोस्तों, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है दोस्तों। तो यहाँ पे बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट का डिफिनेशन होता है वन बाई टू अंडर रूट साइन, तो यहाँ पे साइन हो जाएगा दोस्तों साइन एक्स, और साइन का डिफिनेशन क्या हो जाता है दोस्तों, कॉस एक्स। यही डी वाई वाई डी फाइंड करना आपको कहेगा दोस्तों, यानी कि याद करने कहेगा, कि डी वाई वाई डी एक्स याद करें, ठीक है दोस्तों। एक्सरसाइज देखते हैं दोस्तों, एनसीईआरटी का 5.2 दोस्तों, 5.2 फंक्शन ही फंक्शन का क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें 8 क्वेश्चन है दोस्तों, उसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है दोस्तों। हाँ तो देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी का 5.2 का सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है दोस्तों। तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोस्तों, तो हमने लेट कर लिया दोस्तों,
कि वाई बराबर दिया हुआ है फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ये बोल रहा है क्वेश्चन में दोस्तों कि डिफरेंट द फंक्शन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हमको करना है, क्वेश्चन में ही बोल रहा है दोस्तों कि अवकलन हमको करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है दोस्तों। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है दोस्तों, तो हम इसको लगाते हैं डिफ्रेंशिएशन दोस्तों। तो डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे तो डी वाई वाई डी एक्स हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे इज इक्वल टू, फिर हो जाएगा क्या दोस्तों साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव है दोस्तों, और इस वाले को रिस्पेक्ट में हमको करना है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ठीक है दोस्तों। और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस फाइव हो जाएगा दोस्तों डी एक्स, ठीक है दोस्तों। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है दोस्तों कि क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस ए पूरा एक्स का काम कर रहा है दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव हो जाएगा दोस्तों। और इस वाले आपको बताए थे दोस्तों कि प्लस वाला प्रॉपर्टीज अगर रहेगा तो दो फंक्शन का अगर प्लस में प्रॉपर्टीज है दोस्तों तो अलग अलग कर देंगे, तो यानी कि डी स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस डी फाइव बटा डी एक्स हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये फाइव क्या है दोस्तों, कॉन्स्टेंट, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इस एक्स स्क्वायर को पावर बाहर करेंगे और एक पावर घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सिंपल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव हो जाएगा, और इस वाले के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों टू एक्स, और एक पावर घटाएंगे तो एक ही पावर बचेगा दोस्तों प्लस जीरो, ठीक है दोस्तों। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, टू एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, यही आपको डी वाई वाई डी एक्स फाइंड करना था दोस्तों, कह रहा था कि डी वाई वाई डी एक्स इक्वल है, ठीक है दोस्तों। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कॉस ऑफ साइन एक्स दिया है दोस्तों, तो हमने लेट कर लिया इसका भी कि वाई बराबर दिया हुआ है फंक्शन क्या, कॉस ऑफ साइन एक्स है दोस्तों, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमको करना है दोस्तों, तो डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफिनेशन लगाएंगे दोस्तों कॉस ऑफ साइन एक्स का दोस्तों, ठीक है। और इस थीटा वाले के रिस्पेक्ट में हमको करना है, तो यहाँ साइन एक्स इंटू में हो जाएगा दोस्तों साइन एक्स बट्टा डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस का डिफिनेशन माइनस साइन एक्स होता है दोस्तों, तो माइनस साइन एक्स का काम कर रहा है पूरा साइन है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स, और साइन का डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों, कॉस एक्स। अब इसका अरेंज करके लिख देते हैं दोस्तों, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, ठीक है दोस्तों। यही डी वाई वाई डी एक्स निकालना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है दोस्तों, तो इसका भी हमने लेट कर लिया दोस्तों कि वाई बराबर फंक्शन दिया हुआ है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जब डिफिनिशिएशन हम लगाएंगे दोस्तों, तो डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी हो जाएगा दोस्तों, और इस वाले को रिस्पेक्ट में हमको करना है, तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर दोस्तों ए एक्स प्लस बी और बटा डी एक्स, ठीक है दोस्तों। ये दो फंक्शन का एडिशन रूल है दोस्तों, तो एडिशन वाला आपको रूल पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन का डिफिनेशन कॉस एक्स ए एक्स प्लस बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसका जब डिफिनिशिएशन करेंगे दोस्तों, तो कॉन्स्टेंट का हम लोग बाहर निकालते हैं, और एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वन हो जाएगा दोस्तों प्लस, और बी का हो जाता है जीरो, जीरो हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे कॉन्स्टेंट है तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों, ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी वाई वाई डी एक्स, यही आपको निकालने के लिए बोल रहा था दोस्तों, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फोर्थ नंबर कह रहा है क्या दोस्तों, कि सेक
ऑफ टेन अंडर रूट एक से। दोस्तों फोर नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम इसको जब सोल्यूशन करेंगे दोस्तों, तो हमने बाई बराबर लेट कर लिया दोस्तों, लेट किया बाई बराबर कि ये फंक्शन दिया हुआ है वो सेक सेक ऑफ टेन अंडर रूट एक्स है दोस्तों। अब इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे दोस्तों, तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में हमको करना है दोस्तों, एक्स का रिस्पेक्ट में करना है, तो इसका हम निकालेंगे क्या दोस्तों, डी सेक ऑफ टेन अंडर रूट एक्स। अब ये पूरा काम क्या कर रहा है दोस्तों, इसको थीटा का काम कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे टेन अंडर रूट एक्स, ठीक है दोस्तों। और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, फिर लिखेंगे डी टेन अंडर रूट एक्स बट्टा, अभी किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट एक्स का रिस्पेक्ट में हो जाएगा। अब फिर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट एक्स बट्टा, अब डी एक्स का आगे होना रिस्पेक्ट में दोस्तों, तो डी का रिस्पेक्ट में आ जाता है। तो आप आंसर लिख ले चलते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा आंसर। अब सेक का डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों, सेक एक इंटू टेन एक्स, तो ये पूरे के साथ थीटा के काम कर रहा है सर दोस्तों, तो ये पूरे थीटा के काम करेगा, यानी कि सेक ऑफ टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन अंडर रूट एक्स हो जाएगा दोस्तों। और इस टेन को डिफिनिशिएशन करेंगे दोस्तों, तो क्या होता है सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स होता है दोस्तों इनटू, अब अंडर रूट का डिफिनिशिएशन क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा वन बाई टू अंडर रूट एक्स होता है दोस्तों, वन बाई टू अंडर रूट एक्स होता है। और यही आपको फाइंड करने का रहा था दोस्तों कि डी वाई वाई डी एक्स निकाले, ठीक है दोस्तों। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी का कह रहा है कि साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का डिफिनिशिएशन करें दोस्तों फंक्शन ऑफ फंक्शन पे, ठीक है दोस्तों। तो इसका फंक्शन ऑफ फंक्शन वाला क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको हम बाई बराबर लेट कर लेते हैं दोस्तों कि साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है दोस्तों, और बटन क्या है दोस्तों, कॉस सी एक्स प्लस डी है दोस्तों। तो आपको हमने प्रॉपर्टीज बताया था दोस्तों कि अगर यू वाई भी अगर इसका प्रॉपर्टीज है दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, भी स्क्वायर को नीचे रखेंगे बट्टा में दोस्तों, और फिर भी बाहर निकालेंगे, और डी यू बट्टा डी एक्स माइनस अभी यू बाहर करेंगे दोस्तों, और डी वी बट्टा डी एक्स, ये इसका प्रॉपर्टीज है दोस्तों, इसी प्रॉपर्टीज पे टूटेगा दोस्तों। तो देखिए इसको तोड़ते हैं डिफिनिशिएशन, यानी कि डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पूरे वाले को एक साथ लिख रहे हैं, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है, और बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस सी एक्स प्लस डी है, ठीक है दोस्तों। और इसको एक्स का रिस्पेक्ट हम कर दिए हैं दोस्तों। अब जब इसका डिफिनिशिएशन हम लगाएंगे दोस्तों, तो पहले क्या प्रॉपर्टीज कर रहा है दोस्तों, भी स्क्वायर, भी के काम कौन कर रहा है दोस्तों, ये, और यू का काम कर रहा है ये, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा दोस्तों, और कॉस सी एक्स प्लस डी को बाहर निकालना है दोस्तों, और डिफिनिशिएशन किसको लगाना है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का, ठीक है दोस्तों, माइनस, अब साइन को हमको बाहर कर देना दोस्तों, साइन ए एक्स को बाहर कर देना है प्लस बी, और डिफिनिशिएशन लगाना किसको दोस्तों, कॉस सी एक्स प्लस डी का, ठीक है दोस्तों, सी एक्स प्लस डी का लगाना है, ठीक है। अब इसका आगे चलते हैं दोस्तों, तो आगे चलने का फिर क्या होगा दोस्तों, बट्टा वाला वैसे लिखेंगे दोस्तों, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, अब कॉस का भी वैसे लिखेंगे दोस्तों, सी एक्स प्लस डी, ठीक है दोस्तों। अब जब इसका डिफिनिशिएशन करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, साइन का डिफिनिशिएशन क्या होता है दोस्तों, कॉस एक्स, और ए एक्स प्लस
बीर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, इंटू। अब इस वाले को जब डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे दोस्तों तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, बी कॉन्स्टेंट हो जाएगा दोस्तों, इसका जीरो मान, और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वन हो जाएगा, यानी कि यहाँ बाहर हो जाएगा ए दोस्तों, ठीक है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। और इस वाले टर्म को करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वाले टर्म को कॉस का डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको करेंगे अलग अलग दो फंक्शन का एडिशन वाला रूल पे दोस्तों, तो सी कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा दोस्तों, और कॉन्स्टेंट जीरो लिखे चाहे न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है दोस्तों। अब इसको अरेंज करते हैं दोस्तों, तो अरेंज करेंगे तो नीचे में क्या है दोस्तों, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है दोस्तों, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और माइनस माइनस क्या कर देगा दोस्तों, प्लस कर देगा, माइनस माइनस मिलके क्या कर देगा दोस्तों, प्लस कर देगा, इंटू में यहाँ माइनस है तो प्लस कर देगा, और इस सी को पहले लिख रहे हैं दोस्तों तो सी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा क्या, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है दोस्तों। अभी जो कॉस स्क्वायर है दोस्तों, इसको अलग अलग हम डिवाइड दे देते हैं दोस्तों, इस कॉस स्क्वायर से इस टर्म में भी डिवाइड दे देते हैं, और इस टर्म से डिवाइड दे, तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ ए कॉस सी एक्स प्लस डी है दोस्तों, ठीक है, इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और बट्टा में यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और यहाँ प्लस हो जाएगा दोस्तों सी इंटू, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा इंटू साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, और बट्टा में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर यहाँ पे टू पावर है, तो एक पावर से एक पावर कहाँ गया दोस्तों, इस वाले टर्म को कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया एक पावर दोस्तों, यहाँ पे बच गया क्या ए, यहाँ पे बच गया ए, और बट्टा में क्या बच गया दोस्तों, वन वाई कॉस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस कॉस ए एक्स प्लस बी बच गया दोस्तों प्लस। अब देखिए दोस्तों, एक ए सी प्लस डी है तो एक साइन के साथ अटैच करते हैं दोस्तों, तो टेन बना देगा, और एक बच जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे बच गया सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू एक कॉस को एटजीट लिख रहे हैं दोस्तों, सी एक्स प्लस डी, और एक कॉस को इस साइन के साथ है लिख रहे हैं दोस्तों, तो साइन सी एक्स प्लस डी बट्टा, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है दोस्तों। तो ये टेन बना दिया दोस्तों, वन वाई कॉस होता है सेक दोस्तों, और यहाँ पे वन वाई कॉस क्या होगा, सेक हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे ए सेक सेक बन जाएगा दोस्तों सी एक्स प्लस डी, और इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इंटू यहाँ हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, और इंटू इस कॉस क्या बना देगा दोस्तों, सेक बना देगा, तो यहाँ पे सेक सेक हो जाएगा क्या दोस्तों, सेक सी एक्स प्लस डी, और ये क्या बना देगा दोस्तों, साइन बाय कॉस टेन सी एक्स प्लस डी, ठीक है दोस्तों, यही डी वाई वाई डी एक्स इक्वलना था दोस्तों, ये आंसर है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे कट गया है दोस्तों, ठीक है, ये आंसर है, यहाँ पे कट गया है, ये आंसर एक कॉस है दोस्तों, ठीक है, ये आंसर है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है दोस्तों,
कॉस एक्स क्यू इन टू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी चैन रूल पे ही लगेगा डिफिनिशिएशन दोस्तों। ये क्या है, दो फंक्शन का मल्टीपल है दोस्तों, तो दो फंक्शन का मल्टीपल का हम सूत्र लिख देते हैं दोस्तों, यू इन टू भी, दो फंक्शन है दोस्तों, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर डी वी बट्टा डी एक्स प्लस भी बाहर और डी यू बट्टा डी एक्स, ये इसका फार्मूला है दोस्तों या थ्योरी कहिए, इसी पे इसको तोड़ना है दोस्तों। तो हमने वाई बराबर लेट कर लिया है दोस्तों, क्या कि कॉस ये दिया हुआ है फंक्शन, तो कॉस एक्स क्यू इन टू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 है दोस्तों, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हमको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस पूरे वाले को एक और ब्रैकेट में लिख रहे हैं दोस्तों, कॉस एक्स का पावर क्यू इन टू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 है दोस्तों, एक्स का पावर 5 है बटा डी एक्स। अब इसको इस वाले प्रॉपर्टीज पे तोड़ना है दोस्तों, तो कॉस एक्स क्यू को बाहर किया दोस्तों और डिफिनिशिएशन लगाया किसके, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 बट्टा डी एक्स प्लस, अभी भी को बाहर करना दोस्तों, यू है दोस्तों, ये भी है, तो भी को बाहर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 और डिफिनिशिएशन किसको लगाना है दोस्तों, यू का, यानी कि कॉस एक्स क्यू बट्टा डी एक्स, ठीक है दोस्तों, एक क्यू है दोस्तों। अब इसका डिफिनिशिएशन हम अलग अलग चैन रूल पे यहाँ देखिए अप्लाई हो रहा है दोस्तों, यहाँ भी चैन रूल लग रहा है दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा, कॉस एक्स क्यू को ऐसी रह दी है दोस्तों और इस वाले को ब्रैकेट में तोड़ रहे हैं दोस्तों, डी साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 है दोस्तों, ठीक है। तो किसके रिस्पेक्ट में करना है दोस्तों, एक बार हमको साइन एक्स के पावर 5 को रिस्पेक्ट में करना है दोस्तों, इन टू, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन एक्स का पावर 5 और अभी किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, एक्स के पावर 5 के रिस्पेक्ट में दोस्तों, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई अभी आ गया दोस्तों, एक्स के रिस्पेक्ट में हमारा आ गया दोस्तों, ठीक है। इस पूरे ब्रैकेट को बंद कर रहे हैं, प्लस यहाँ जे है जो लिख दीजिए दोस्तों, कि साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 है, इसको हमने लिख दिया, और इस वाले को ब्रैकेट में तोड़ रहे हैं दोस्तों, क्या है, डी कॉस एक्स का पावर क्यू है दोस्तों, और बट्टा किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के पावर क्यू के रिस्पेक्ट में करना है दोस्तों, और डी एक्स के पावर क्यू बट्टा डी एक्स, ठीक है दोस्तों, ये भी टूट गया मेरा। अब सिंपल देखिए क्या होता है दोस्तों, कॉस एक्स क्यू और इस वाले को आप करना चाहेंगे दोस्तों, तो इस वाले को इनटू और साइन के पावर 2 है दोस्तों, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए दोस्तों कि एक्स का पावर एन का डिफिनिशिएशन क्या होता था दोस्तों, पावर बाहर होता था यानी कि एन बाहर होता था और एक्स के पावर एन माइनस 1 घट जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे वही काम करना है दोस्तों, 2 को बाहर निकालना है और एक पावर घटा देंगे तो साइन एक्स के पावर 5 ही तो बचेगा दोस्तों, यहाँ पे एक पावर दिखाएं चाहे नहीं दिखाएं दोस्तों, 2 में से माइनस 1 करेंगे तो एक ही पावर ना बचेगा, ठीक है, इनटू, और साइन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस एक्स का पावर 5 हो जाएगा दोस्तों, इनटू, और एक्स का पावर 5 है दोस्तों, तो एन को हम बाहर करेंगे यानी कि 5 बाहर करेंगे दोस्तों, और एक्स का पावर 4 हो जाएगा, एक पावर घटाएंगे दोस्तों, तो प्लस यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 इंटू कॉस का डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों, कॉस का डिफिनेशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स क्यू हो जाएगा दोस्तों, और क्यू का फिर वही प्रॉपर्टीज लगेगा, यही प्रॉपर्टीज लगेगा दोस्तों, 3x², ठीक है दोस्तों। अभी माइनस है दोस्तों और यहाँ प्लस है तो माइनस बना देगा दोस्तों। अब अरेंज करते हैं दोस्तों, देखिए 5 × 10 हो जाएगा दोस्तों, 5 × 10 एक्स के पावर 4 हो जाएगा दोस्तों, पहले लिख रहे हैं इस टर्म को, फिर देखिए दोस्तों क्या लिख रहे हैं, साइन एक्स का पावर 5, ठीक है दोस्तों, इनटू कॉस एक्स का पावर 5 इनटू यहाँ पे फिर क्या है दोस्तों, कॉस एक्स का पावर क्यू था, ठीक है दोस्तों, माइनस,
अब देखिए दोस्तों, इस टर्म को आगे लिख रहे हैं, यानी कि थ्री एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स का पावर फाइव इंटू क्या होगा दोस्तों, साइन एक्स क्यूब। और यही dy/dx निकालना था हमको दोस्तों, इसी चैन रूल अप्लाई करके दोस्तों। ठीक है, ये आंसर रहा आपका दोस्तों। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 2√cot(x)² है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें चैन रूल अप्लाई करके हमको डिफिनिशिएशन करना होगा दोस्तों। तो लेट कर लिया हमने, बाई बराबर दिया हुआ है क्या, 2√cot(x)². ठीक है दोस्तों, इसको ऑफ ब्रैकेट में रखते हैं। अब इसको डिफिनिशिएशन हमको करना है दोस्तों, तो dy/dx कॉन्स्टेंट टर्म बाहर हो जाता है दोस्तों, और किसके हो जाएगा दोस्तों, √cot(x)². ठीक है दोस्तों, और रूट है दोस्तों, तो इसके एक्स रहता तभी ना हम, जैसे इस वाले फार्मूला को आप देखिए दोस्तों, कि √x रहता तो हम लोग x के रिस्पेक्ट में करते थे दोस्तों। ठीक है, इसको हम फार्मूला लिखते थे √x, पर यहाँ x के काम न करके क्या कर रहा है दोस्तों, cot²x, तो इस cot वाले को हमको करना होगा, यानी कि cot x² का हमको डिफिनिशिएशन करना होगा दोस्तों। चैन रूल अप्लाई हो रहा है दोस्तों, और यहाँ पे भी cot x², और इस cot वाले को x² के रिस्पेक्ट में हमको करना है दोस्तों। ठीक है, अब ये मेरा टूट गया दोस्तों चैन रूल पे। ठीक है, अब इसका डिफिनिशिएशन करते हैं दोस्तों। तो देखिएगा, अभी हमने लिखा है दोस्तों रूट का डिफिनेशन 1/2√, तो पहले से 2 था दोस्तों, और इसका हो जाएगा 1/√cot(x)² इंटू कॉट का डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों, -cosec(x)² और कॉस का भी स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और x² का डिफिनेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपली 2x हो जाएगा। इस 2 से 2 कैंसिल हो रहा है दोस्तों, हो रहा है ना, 2 से 2 कैंसिल है, ये ऊपर है दोस्तों और बट्टा में, तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ जो बच रहा है, जो लिख दीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2x ऊपर में हो जाएगा दोस्तों, और बट्टा अंडर रूट क्या हो जाएगा दोस्तों, cot x² हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस cosec² x² का लिख सकते हैं क्या दोस्तों, 1/2 हम sin² x² लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे क्या ऊपर में आ जाएगा दोस्तों, 2x बट्टा अंडर रूट क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम लिख देते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, cos x² बट्टा sin x² होगा कि ना दोस्तों, इस cot वाले को इस इतना हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे 2 sin है दोस्तों, तो इसके अंदर जब 1 sin² लाएंगे, यहाँ पे 2 sin है दोस्तों, तो देखिए इस 2 sin को हम लिख सकते हैं दोस्तों, sin² को हम लिख सकते हैं क्या, sin x² इंटू sin x², इतना तो लिख ही सकते हैं दोस्तों। तो इस sin² को हम अंदर लाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin² का x² हो जाएगा, ताकि रूट से बाहर निकालेंगे तो sin निकलेगा, और यहाँ पे बच जाएगा क्या दोस्तों, एक sin बच जाएगा x², तभी तो इस रूट वाले से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर में हमको बनेगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस sin² से एक पावर कट गया दोस्तों, देखिए एक पावर कट गया कि ना, तो यहाँ पे बच गया क्या दोस्तों, ऊपर में 2x। ठीक है दोस्तों, 2x बच गया, और यहाँ अंडर रूट में क्या आ गया दोस्तों, यहाँ हो गया क्या, पहले साइन को लिख रहे हैं दोस्तों, कि sin x² इंटू cos x². ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे बच रहा हुआ है दोस्तों 1/sin x² बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इस वाले टर्म में हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो √2 से डिवाइड तो करेंगे, तभी तो वैल्यू मेरा सेम आएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, √2 से मल्टीप्लाई किए हैं और √2 से डिवाइड भी किए हैं, ऊपर में दिए हैं दोस्तों डिवाइड, यानी कि नोमिनेटर में हमने √2 से दिया, डिवाइड में भी किए हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, एक फार्मूला होता है ट्रिगोमेट्री में, कि अगर
टू साइन ए इन टू कॉस ए रहता है दोस्तों, तो इसका फार्मूला हो जाता है टू ए। ठीक है दोस्तों, इसका फार्मूला हो जाता है टू ए। तो यहाँ पे कुछ उसी तरीका से काम कर रहा है दोस्तों। इस पावर को छोड़ दीजिए, पावर पे नज़रअंदाज मत कर दी आज, इस पावर पे आप नहीं ध्यान दीजिए। देखिए टू साइन ए इन टू कॉस ए, यहाँ पावर ए है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा। इसको अरेंज कर देते हैं दोस्तों, टू रूट टू अंडर रूट टू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन साइन टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, पहले से एक साइन स्क्वायर है दोस्तों। अब इसको अरेंज कर दीजिए दोस्तों, तो इसको जब अरेंज करिएगा इसको, तो क्या हो जाएगा, माइनस टू अंडर रूट टू एक्स बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन साइन टू एक्स स्क्वायर, और यही हमको डी वाई वाई डी एक्स फाइंड करना था दोस्तों, यही डी वाई वाई डी एक्स फाइंड करना था। ठीक है दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आठवां नंबर एनसीईआरटी का, और उसमें नाइन टेंथ जो क्वेश्चन है दोस्तों लिमिट के बेस्ट पे है दोस्तों। ठीक है, और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो बाई बार और लेट की है दोस्तों, क्या कॉस अंडर रूट एक्स है दोस्तों, ये भी चैन रूल अप्लाई हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ डी वाई वाई डी एक्स, ठीक है दोस्तों, और यहाँ हो जाएगा क्या, कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स है दोस्तों, ये थीटा का काम कर रहा है कॉस का दोस्तों, फिर तो हमको थीटा के रिस्पेक्ट में, और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि अंडर रूट एक्स हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा, आ गया मेरा एक्स के रिस्पेक्ट में दोस्तों। तो कॉस का जो डिफिनिशिएशन क्या होता है दोस्तों, माइनस साइन अंडर रूट एक्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और अंडर रूट का डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों, टू अंडर रूट एक्स, यानी कि वन बाई टू अंडर रूट एक्स होता है दोस्तों। तो इसको अरेंज करके लिख दीजिएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स बट्टा टू अंडर रूट एक्स। ठीक है दोस्तों, और डी वाई वाई डी एक्स यही आपको फाइंड करना था दोस्तों, आंसर है दोस्तों। ठीक है, ये 5.2 था एनसीईआरटी का दोस्तों, 8 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया दोस्तों, और बहुत इजी लेवल पे है दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे दोस्तों, और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, ओके, जय हिंद जय भारत।